अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने लगे हैं चिकन के मसाला कबाब और उसके इंग्रेडिएंट जिस तरह से होंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। हमने 1 किलो चिकन का कीमा ले लिया है और उसके बीच में हमने प्याज को क्रश करके डाल दिया। चिकन को मैंने चॉपर के अंदर ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह से और इसके अंदर मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाल दी है और प्याज को और लहसुन अदरक को बीच में ही ग्राइंड कर लिया। मैंने इसके अंदर एक होल एग ऐड कर दिया, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया है। अब हम 1 चम्मच इसके अंदर रेड चिली ऐड करेंगे इसको स्पाइसी बनाने के लिए। 1/2 टीस्पून हम ब्लैक पेपर की ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट हम सॉल्ट ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून भर कर हम कॉर्नफ्लोर का ऐड करेंगे ताकि ये कबाब क्रिस्पी भी बने, क्रंची भी बने और टूटे भी ना। ठीक है, आज हम मसाला कबाब बना रहे हैं, उसके लिए हम रेडी करने लगे हैं मसाले को और इनको फ्राई करेंगे। हैंड की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड किया 1 टीस्पून भर के। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लीजिए और फिर उसके बाद अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हाथों को ऑयलिंग करके इसके छोटे छोटे ऐसे अपनी ये मर्ज़ी के शेप दे के कबाब बना लीजिए। कुकिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने कबाब इस तरह से शेप दे लिए हैं और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो इसको डिश आउट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम मसाला रेडी करेंगे। मसाला रेडी के कबाब उसके अंदर ऐड करेंगे और फिर उसको मसाले में थोड़ी देर के लिए दम लगा के कुक करेंगे और फिर हमारी इस तरह से क्विक सी रेसिपी रेडी हो जाएगी। सेम पैटर्न से आप इनको पैटीज़ की शेप दे सकते हैं। बच्चों के लिए आप लंच के लिए पैटीज़ रेडी करें, बर्गर्स में ऐड कर दें। मैंने आपके साथ शेयर की अपनी शानी की रेसिपी, ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काइंडली ज़रूर मैसेज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत ऐड की जाती है, काफ़ी मेहनत से ये काम किया जाता है। थैंक यू सो मच इफ़ यू वॉचिंग माई वीडियो। मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है, एक साइड से गोल्डन ब्राउन सा होता है और इसको मज़ीद हम कुक करेंगे। ये टाइम टेकिंग होगा, चिकन वैसे जल्दी हो जाता है लेकिन फिर भी इसको अच्छी तरह से कुक करते हैं। ये जब प्रॉपरली कुक हो जाएगा तो फिर इसके अंदर नेक्स्ट कुकिंग ऐड करेंगे कबाब की, ताकि मुकम्मल तौर पर मैं सारे कबाब एक ही दफ़ा से रेडी कर दूँ और उसके बाद फिर मसाले की तरफ चलते हैं। तो मसाला कैसे रेडी करते हैं, मसाले की रेसिपी भी बहुत सिंपल सी है। जैसे कि हम अपने लिए ऑमलेट रेडी करते हैं उस टाइप से हमने मसाले को रेडी करना है, या आपकी रेगुलर कुकिंग जिस तरह से होती है आपने उसी तरह कोरमे वाला मसाला रेडी करना और वो मसाला ऐड कर देना। जब मसाला इन कबाब्स के ऊपर सर्व करेंगे तो ये बहुत अच्छा अरोमा देंगे और इसका टेक्सचर टेस्ट भी बहुत डिलीशियस हो जाएगा। कबाब फ्राई करते हुए इसकी फ्लेम बहुत लो रखिए ताकि ये प्रॉपरली कुक हो जाए। अच्छी तरह से दोनों साइड्स को फ्राई कर लीजिए। हमारे कबाब की फर्स्ट कोटिंग रेडी हो गई है, नेक्स्ट कोटिंग रेडी करते हैं। ये कबाब कितने मज़ेदार लग रहे हैं, आप इसी तरह भी सर्व कर सकते हैं स्नैक्स, एज अ स्नैक्स टी टाइम। आपके घर मेहमान आ जाएँ तब भी आप रेडी करके उनको इस तरह से सर्व कर सकते हैं चाय के साथ और बेकरी आइटम्स के साथ। जब तक नेक्स्ट कोटिंग रेडी हो रही है कबाब की, कबाब फ्राई हो रहे हैं, मैं तब तक के लिए आटा गूंथ लेती हूँ। मैंने उतनी देर में आटा गूंथ लिया है ताकि बच्चों को फ्रेश रोटी पका के दे सकें। एक मीडियम साइज़ का प्याज लेते हैं और इसको चॉप करते हैं जैसे कि हम ऑमलेट के लिए चॉप करते हैं और फिर उसे मसाला तैयार करते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्याज मैंने कट कर दिया है और अब इसके अंदर मैं ऑयल ऐड करती हूँ और फिर उसके अंदर टमाटो प्यूरी ऐड करूँगी और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके मसाले आपको दिखाती हूँ। मसाला मेरा कुक हो रहा है, मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है, हरी मिर्च ऐड कर दी है
और इसमें तमाम मसाले, नमक मिर्च हाफ हाफ टी स्पून ऐड कर दिए और इसको भून दिया। हाफ प्यानी मैंने इसमें दही का ऐड कर दिया ताकि इसका थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर बन जाए। रेडी हो रहा है, जब ये कुक होता है तो फिर मैं आपको मज़ीद दिखाती हूँ। मसाला ऑलमोस्ट हो चुका है, मेरे साथ से रोटी बनानी स्टार्ट कर दी। कबाब्स को मैंने मसाला के अंदर ऐड कर दिया और ये इसको मैं ढक देती हूँ। 5 मिनट्स के बाद हम इसको सर्व कर देंगे। ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है और इस तरह से देखते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि मसाला कबाब तैयार होने के बाद किस तरह से दिखते हैं। ये वाओ, दिस इज सो यम्मी एंड डिलीशियस। होप यू लाइक माय रेसिपी। काइंडली लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट अस फॉर फर्दर रेसिपीज़।